दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रेपोजिशंस से बने हुए आम बोलचाल के 60 इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो बड़े शान से डिसलाइक करना। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, शिकारी ने चिड़िया पर निशाना लगाया। आप इसे कहेंगे द हंटर एम्ड एट द स्पैरो। द हंटर एम्ड एट द स्पैरो। एम्ड एट का मतलब होता है निशाना लगाना। क्या तुम अपने पापा से डरते हो? आप इसे कहेंगे आर यू अफ्रेड ऑफ योर फादर। आर यू अफ्रेड ऑफ योर फादर। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी से डरना। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप इसे कहेंगे आई डोंट एग्री विद यू। आई डोंट एग्री विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरी योजना से सहमत है। आप इसे कहेंगे ही एग्रीज टू माई प्लान। ही एग्रीज टू माई प्लान। भिखारी ने थोड़ा खाना मांगा। आप इसे कहेंगे द बैगर आस्ट फॉर सम फूड। द बैगर आस्ट फॉर सम फूड। आस्ट फॉर का मतलब होता है मांगना। अगला सेंटेंस देखिए, उसे खुद पर शर्म आती है। आप इसे कहेंगे ही इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। ही इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्म आना। मैं एक गांव में रहता हूँ। आप इसे कहेंगे आई लिव इन अ विलेज। आई लिव इन अ विलेज। अपने पाठ में भाग लीजिए। आप इसे कहेंगे अटेंड टू योर लेसन। अटेंड टू योर लेसन। वह घर पर नहीं है। इसे कहेंगे ही इज नॉट एट होम। ही इज नॉट एट होम। कुत्ता अजनबी पर भौंका। इसे कहेंगे द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। मैंने अपनी जेब में पेन रखा। आई पुट द पेन into my pocket. I put the pen into my pocket. शाही से लिखिए। Write in ink. Write in ink. बच्चे नदी में कूदे। Children jumped into the river. Children jumped into the river. इसे गर्म दूध में मिलाइए। इसे कहेंगे mix it in hot milk. Mix it in hot milk. Next sentence है, उसकी बहन टेस्ट में फेल हो गई। इसे आप बोलेंगे His sister failed in the test. His sister failed in the test. वह अपने काम में व्यस्त है। He is busy in his work. He is busy in his work. अगला सेंटेंस देखिए, उसने सफ़ेद कपड़े डाल रखे हैं। इसे आप बोलेंगे ही इज ड्रेस्ड इन वाइट। ही इज ड्रेस्ड इन वाइट। क्या तुम चाय के शौकीन हो? इसे बोलेंगे आर यू फोंड ऑफ टी। आर यू फोंड ऑफ टी। उसने देश के लिए जान दे दी। इसे कहेंगे ही डाइड फॉर द नेशन। He died for the nation. कप दूध से भरा हुआ है। इसे कहेंगे The cup is full of milk. The cup is full of milk. उसे सफलता की उम्मीद है। इसे कहेंगे He is hopeful of success. He is hopeful of success. मुझे कम सुनाई देता है। I am hard of hearing. I am hard of hearing. वह बुखार से मर गया। इसे कहेंगे He died of fever. He died of fever. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप इसे कहेंगे I am thankful to you. I am thankful to you. वह एक टांग से लंगड़ा है। इसे बोलेंगे He is lame of one leg.
ही इज लेम ऑफ वन लेग, उसे पैसे की तंगी है, इसे कहेंगे ही इज हार्ड ऑफ पॉकेट, ही इज हार्ड ऑफ पॉकेट। यह सवाल उस सवाल से अलग है, इसे कहेंगे दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। वह बुखार से पीड़ित है, इसे कहेंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। महात्मा बुद्ध बुराइयों से आजाद थे, आप इसे कहेंगे महात्मा बुद्धा वॉज फ्री फ्रॉम ईविल, महात्मा बुद्धा वॉज फ्री फ्रॉम ईविल। नेक्स्ट है पिछले सप्ताह एक आदमी मुंबई से आया, आप इसे कहेंगे अ मैन केम फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक, अ मैन केम फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक। कृपया मेरी बात सुने, इसे कहेंगे लिसन टू मी प्लीज, लिसन टू मी प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस है आप सबके प्रति दयावान रहे हैं, इसे कहेंगे यू हैव बीन काइंड टू ऑल, यू हैव बीन काइंड टू ऑल। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वी प्रे टू गॉड, वी प्रे टू गॉड। क्या वह आपका रिश्तेदार है, आप इसे कहेंगे इज ही रिलेटेड टू यू, इज ही रिलेटेड टू यू। आप मुझे लिख सकते हैं, इसे कहेंगे यू कैन राइट टू मी, यू कैन राइट टू मी। मैं तुम्हारे पत्र का जवाब दूंगा, इसे कहेंगे आई शैल रिप्लाई टू योर लेटर, आई शैल रिप्लाई टू योर लेटर। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसे कहेंगे ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। नेक्स्ट है नौकर अपने मालिक के प्रति वफादार है, इसे कहेंगे द सर्वेंट इज फेथफुल टू हिज मास्टर, द सर्वेंट इज फेथफुल टू हिज मास्टर। नेक्स्ट है मैं आपका आभारी हूँ, इसे कहेंगे आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, आई एम ओब्लाइज्ड टू यू। यह तुम्हारे लिए काम का हो सकता है, इसे कहेंगे इट कैन बी यूजफुल टू यू, इट कैन बी यूजफुल टू यू। नेक्स्ट है उसने मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया, इसे कहेंगे ही इन्वाइटेड मी फॉर टी, ही इन्वाइटेड मी फॉर टी। क्या तुमने छुट्टी की अर्जी दी, आप इसे कहेंगे हैव यू अप्लाइड फॉर लीव, हैव यू अप्लाइड फॉर लीव। अगले सप्ताह मैं अपने गांव जाऊंगा, इसे बोलेंगे आई विल गो टू माई विलेज नेक्स्ट वीक, आई विल गो टू माई विलेज नेक्स्ट वीक। क्या तुम हर सप्ताह अपने गांव जाते हो, इसे कहेंगे डू यू गो टू योर विलेज एवरी वीक, डू यू गो टू योर विलेज एवरी वीक। नेक्स्ट है वे पैदल चले, इसे आप कहेंगे दे वॉक्ड ऑन फूट, दे वॉक्ड ऑन फूट। नेक्स्ट है तुम मुझ पर निर्भर मत रहना, इसे कहेंगे डोंट डिपेंड ऑन मी, डोंट डिपेंड ऑन मी। गरीबों पर दया करो, टेक पीटी ऑन द पुअर, टेक पीटी ऑन द पुअर। घर में आग लगी है, द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर। गाय घास खाती है, द काउ फीड्स ऑन ग्रास, द काउ फीड्स ऑन ग्रास। पुलिस वाला ड्यूटी पर है, द पुलिस मैन इज ऑन ड्यूटी, द पुलिस मैन इज ऑन ड्यूटी। वह मुझसे खुश है, ही इज प्लीज्ड विद मी, ही इज प्लीज्ड विद मी। उसने छड़ी के साथ एक सांप मारा, ही किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक, ही किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक।
वह अपने दोस्तों के साथ लोकप्रिय है। इसे बोलेंगे ही इज पॉपुलर विद हिज फ्रेंड्स, ही इज पॉपुलर विद हिज फ्रेंड्स। यात्री बस का इंतजार कर रहे हैं, इसे कहेंगे द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस, द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस। नेक्स्ट है इसके बारे में कोई शंका नहीं, इसे बोलेंगे देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरी सलाह पर काम करो, इसे कहेंगे एक्ट अपॉन माई एडवाइस, एक्ट अपॉन माई एडवाइस। उसे भगवान में विश्वास नहीं, इसे कहेंगे ही डजंट हैव फेथ इन गॉड, ही डजंट हैव फेथ इन गॉड। पढ़ाई में मन लगाओ, टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज, टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज। वह एक पेड़ के नीचे सो गया, ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री, ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। मैं चित्रकारी का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो 1% तो लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, लगा हो कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया है तो इस वीडियो को डिसलाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।